Assalamualaikum and hello people, what's up? Welcome back to Shukrat Reaction. My name is Chavez. Good morning, night. After a long time. After a long, long time. Very long time. ये लॉन्ग टाइम का ये जो वीडियो भी है बहुत लॉन्ग टाइम का ही है, हमें कोई रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। लोग जब बंद कर रहे थे मतलब जो ब्रेक ले रहे थे उस वक्त इसके सजेशन आ रहे थे मुझे। ओएसटी मैशअप जिसमें खुदा और मोहब्बत का ओएसटी है, खानी का ओएसटी है, दीवानगी का है, फितूर का है, राज़ी रफ़त का है और पूरे हमने देखे हैं सुने। यस, इसमें से एक वो भी है जिसने हमारा पुराना चैनल को बहुत खतरनाक इफेक्ट किया। Let's go.
the worst quest, I think. First is Khudaon Mohabbat. 2 billion. Total waste from OST to gross 100 million within Pakistan. Yeah. Mm. 800 million for Fitur, 600 for Diwani, for Azerbaijan, 350 for Kahani. Kahani. It's actually very a great achievement for Pakistan industry. Yes. हम लोगों ने जब खानी का ओएसटी जब देखा था हमने तो हम लोगों को उतना खास नहीं लगा था बट लेटर नहीं पर मैं सुनने लगा उसको बार 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 तो यू नो उसमें एक अलग ही नशा है ओएसटी नो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उस वक्त हमारे पास साउंड बराबर नहीं था जब हम लोगों ने रिएक्ट किया था सो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया था कुछ थोड़ा वो फीका लगा था बट लेटर आई फेल्ट इट और यहाँ पर यू नो खुदा और मोहब्बत से सडन खानी को ही शिफ्ट करते हैं वो लोग इतना सिमिलर लग रहे थे what a great tribute yaar first of all great great songs ko inhone jo mashup kiya hai it's a great tribute car mein bajne wale gaane hain ye sare aur kya hai ki pehle jo pakistani tv serial jahan tak maine apne uncle se pucha ki aap kab se dekh rahe ho wo jo bade fan hai aajkal wo unhone bola ki bhai tum kab se dekh rahe ho tumko pata hai kab se lag pakistan ka ek serial hote hain bola 12 हो सकता है 12 या 13 में मुझे पता लगा था कि पाकिस्तान की वजह खुदा मोहब्बत तब दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि चलो इनके भी सीरियल होता है भाई मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ जब से कि जब मुंबई में जाके एक ही जगह थी वहाँ पे सिर्फ सीरीज मिलती थी पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स के क्योंकि वह तब तो टेलीकास्ट था नहीं यहाँ पे तो मुंबई में और थोड़ा ऐसे सिटीज हैं वहाँ पे कहीं पे ऐसे लोकल मार्केट में पायरेटेड सीरीज मिलती थी या फिर कैसेट्स मिलती थी जैसे सिंह के इसके तो वहाँ से यूज टू बाई देखते थे वो ऐसे कि बहुत सारे सीरीज मिलते थे इतने बड़े पैकेट में मिलते थे उतने लंबे लंबे सीरीज तो वहाँ पे ही उस वॉच सेट कि मैं वहाँ से ही उस बार परचेज एंड वॉच ऑल दी शोज मैं तब से देख रहा हूँ पाकिस्तानी हुए पाकिस्तानी टीवी शोज में हुए लाइक वाओ यार वर्ड ऑफ से इसके नाउ इट्स बिकम सो इजी फॉर द वर्ल्ड टू एक्सेस देयर कंटेंट ऑल थैंक्स टू यूट्यूब गलत चीजें बहुत हुई हैं जैसे अच्छी चीजें बहुत अच्छी हुई अच्छा कॉन्टेंट इसमें बहुत जगह फैला है एंड बहुत सारे लोगों को आज क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर तुम अपना कोई प्यार से कुछ गाना आप बना रहे हो आप खुद से कुछ इंडिपेंडेंटली कर रहे हो देन आपको इधर यू हैव टू गो टू द लेबल्स नहीं जाना है लेबल आपको तो कोई लोकल इससे आपको कंपनी से आपको यू हैव टू गेट इट प्रिंटेड नोबडी यूज्ड टू बाय इट यू हैव यू वुड यूज्ड टू जस्ट गिव इट फॉर फ्री एंड वो ऐसे बहुत सारे कैसेट्स मेरे पास हुआ करते थे जो कि ऐसे ही फ्री बांटते थे वो आर्टिस्ट लोग अपने पास पैसा है था एंड यू जस्ट यूज्ड टू कीप इट विद देमसेल्व्स एंड यू नो somewhere they used to be that's it but कोई सुनते भी नहीं थे but आज जो बंदा interested है वो बंदा obviously access करेगा उसको yes तो I think YouTube ने बहुत अच्छा साथ दिया है पाकिस्तान इंडस्ट्री को चेंज करने में जो उन्होंने रोल प्ले किया है YouTube ने it's amazing in fact Indian TV shows YouTube से नहीं फैले नहीं to be very honest Indian TV shows जहाँ तक हम जानते हैं पता नहीं बाहर अगर से कहा है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि पूरे 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 इंडियन टीवी शोज नहीं आते थे इसमें यूट्यूब पर नहीं आते पहले आई थिंक आज भी नहीं आते पूरे आज भी छोड़ के आते हैं लिंक वगैरह का ऐप अलग है अभी हर चैनल का ऐप अलग है तो वहीं पर ही यू नो वी कैन सी दैट बट आई थिंक इंडियन टीवी शोज को उतना ज्यादा एक्सेस है भी नहीं मतलब बहुत लिमिटेड ऑडियंस है इंडियन टीवी शोज पहले क्या था कि अगर इंटरनेट पे था तो 2011 की मैं 12 13 की बात कर रहा हूं मैं We used to have something called online TV. एक ऐसे वेबसाइट्स हुआ करते थे जहाँ पे वो स्ट्रीम करते थे। अभी तो हमारे पास ये 300 MB पैसा लेकिन जो I used to watch it like एक गेम्स बना जो केबल्स चल रहा है वहाँ पे। That's why so otherwise मुझे पता नहीं कि लोग लोग कैसे एक्सेस करते थे without channels। लेकिन पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री has changed completely। I think पहले पाकिस्तानी चैनल्स भी आते थे नहीं इंडिया में। ये क्या दो चैनल्स के कुछ एक्सेस थे I remember this QTV was there QTV I think उसके अलावा भी कुछ एक दो चैनल था एक्सेस मेरे बचपन में बहुत देखा है मेरे जो ताया थे वो बहुत ही इस्लामिक में इसमें थे बट यू नो व्हेन ही स्टार स्विच ऑन द टीवी जब क्यूटीवी स्टार्ट होता था तो शाम को खाना खा के सोने तक भी वो टीवी में क्यूटीवी चलता था बिकॉज हम लोग उतना नहीं था भाई पहले कि इसमें हम लोग को इतनी डेरिंग नहीं थी कि हम लोग रिमोट ले या फिर कुछ करें आजकल के बच्चों के हाथ में रिमोट रहता है हम लोगों के टाइम पे नहीं था तो बस जो चल रहा है वो देखते थे सो आई यूज्ड टू आई रिमेंबर दैट
क्यों टीवी चलता रहे बट चेंज ना बट आफ्टर दैट के होता 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 दरगाह के अंदर बहुत गेट्स जो कि यहां पे बहुत लोग अगेंस्ट हैं उसके तो आई थिंक एट द एंड वो बहुत देर तक चले पाकिस्तान में मींस देयर नहीं दो दरगाह के आगे हां वो तो है हर जगह है वो तो यहां पे बहुत फर्क था उसके बाद में आया अपना पीस टीवी कुछ लेकर ये डिफरेंट कुछ लेकर आया पीस टीवी बाद में बहुत आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं इस्लामिक चैनल बहुत अब इंडिया के चैनल स्पोर्ट्स हैं इंडिया के बहुत सारे मुंबई बेस्ड बहुत सारे चैनल हैं एनीवे it was very nice OST बहुत सारी यादें निकल गए बिकॉज़ जितने भी सारे OST थे हम लोगों ने देखे हम लोगों ने शेयर किए ना बहुत सारे आई थिंक इसमें से कोई भी OST अभी चैनल पे नहीं है जो हमारा रिएक्शन हम लोगों ने किया था ये सारे हमारे ओल्ड चैनल पे थे नहीं थे बिकॉज या बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज मैशअप जिसने स्पॉइल नहीं किया यू नो इट वाज चेंजेस जो हो रहे थे बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर रहे थे वो जिसकी वजह से वो हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे वी आर इनटू इट एंड आई थिंक आई लव्ड इट ये अभी ये भी चलने वाला है हमारे प्लेलिस्ट में फॉर श्योर या सो यार दिस वाज अवर रिएक्शन ऑन ओएसटी मैशअप एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम क्रिएटर्स एंड एनीथिंग दिस मोर शाबिश टू यू मैन सेनिंग ऑफ भूल गए थे